तो ये है हम लोग का फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर। शुरू करते हैं गैलीलियोस ऑब्जर्वेशंस। गैलीलियो ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ बॉल इज रोल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस वेलोसिटी ऑफ द बॉल इंक्रीजेस एंड व्हेन इट मूव्स अप इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। व्हेन बॉल इज रेज्ड फ्रॉम द लेफ्ट इट रोल्स डाउन एंड क्लाइम्स अप द ऑपोजिट स्लोप टू द सेम हाइट फ्रॉम व्हिच इट वाज रिलीज्ड। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन द राइट साइड इज डिक्रीज्ड द बॉल ऑल्सो वुड नीड टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस to reach the height from which it was released. If the right side is made completely horizontal and frictionless, the ball would have to travel an infinite distance to reach the original height. The unbalanced force acting in this case is zero. This suggests that an unbalanced force is required to change the uniform motion of an object. In practical situation, the ball will stop after some distance because of friction and air resistance. This observation is used by Newton प्रेजेंट इज फर्स्ट ऑफ मोशन। अभी जाते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिर आपको ये पहला स्टॉप दिख रहा होगा और ये राइट साइड का स्टॉप दिख रहा होगा। यहाँ से अगर हम लोग ने बॉल को पुश किया तो बॉल थोड़ा देर नीचे जाएगा और उसका वेलोसिटी इंक्रीज रहेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जब यह बॉल नीचे पहुँच जाएगा फिर ये फिर से राइट साइड के स्टॉप से ऊपर जाएगा और राइट साइड के ऊपर जाने के समय उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अगेन। ये बॉल उतना हाइट तक जाएगा इतना हाइट से उसको पहले रिलीज किया गया था। मतलब अगर इसको एच हाइट से रिलीज किया गया था तो वो राइट साइड के स्टॉप में भी एच हाइट तक ही ऊपर जाएगा, उससे ज़्यादा और कम नहीं जाएगा। ये सिचुएशन तभी कम पड़ेगा जब जो स्टॉप है वो फ्रिक्शनलेस होगा और एक्सेप्ट ग्रेविटी कोई और फोर्स उस बॉल पर एक्ट नहीं कर रहा होगा। अगर हम लोग इसका इंक्लिनेशन कम करते जाए तब राइट साइड के स्टॉप पर बॉल को सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ताकि वो ओरिजिनल हाइट तक पहुंच सके। इसलिए अगर हम लोग ये राइट साइड के स्टॉप को पूरा हॉरिजॉन्टल कर ले तब बॉल को इनफिनिट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ताकि वो ये बॉल के हाइट तक पहुंच सके, जो कि पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इनफिनिट डिस्टेंस बोलते हैं। ये तभी काम करेगा जब ये पूरा सरफेस फ्रिक्शनलेस और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, मतलब ये पूरा सिचुएशन आइडियल होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इसको हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। ये बस हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए काम आता है ये सिचुएशन। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग का न्यूटन का फर्स्ट लॉ। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन्स unless it is acted upon by an unbalanced force. This law is also known as law of inertia. इसे समझते हैं। अगर कोई unbalanced force object पर act नहीं कर रहा होगा तब object अपने state of rest में रहेगा, मतलब वो rest से motion तक नहीं जाएगा जब तक कोई unbalanced force उसके ऊपर act ना करे। और अगर वो एक uniform motion में travel कर रहा है तब body का velocity बिल्कुल change नहीं होगा तब तक जब तक इस ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे तब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा और उसका वेलोसिटी भी सेम रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं कर पाएगा उसके ऊपर। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। देखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इस नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब जो बॉडी का टेंडेंसी होता है कि वो अपना रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसके तीन तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब उनका टाइप में देखते हैं हम लोग। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ आर बॉडी रजिस्टर चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम लोग का बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जो रेस्ट से मोशन तक आना एग्जिस्ट करता है, समझ गए होंगे। एग्जांपल देखते हैं। सडन स्टार्ट ऑफ द बस कैन मेक अस फॉल बैकवर्ड्स। दिस हैपेंस बिकॉज द सडन स्टार्ट ब्रिंग्स द बस एंड आर फीट इन कॉन्टेक्ट विद द बस टू मोशन। हाउएवर आवर बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब अगर ड्राइवर सडनली बस को स्टार्ट कर देते हैं तब जो हमारा फुट है तो बस से कॉन्टेक्ट में भी वो भी चलने लगता है, लेकिन हम लोग का जो अपर बॉडी है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो
मोशन को एडजस्ट करता है और हमारा बॉडी इसलिए पीछे गिर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सडन स्टार्ट ऑफ बस कैन मेक अस फॉल बैकवर्ड्स। देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, द प्रॉपर्टी ऑफ आर बॉडी रेजिस्ट द चेंज फ्रॉम मोशन टू रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अ सडन ब्रेक बाय द ड्राइवर द बस कैन मेक अस फॉल फॉरवर्ड। दिस हैपेंस बिकॉज द सडन ब्रेक ब्रिंग्स द बॉडी एंड आर फीट इन कॉन्टेक्ट विद द बस टू रेस्ट। However, our body opposes this change because of inertia of motion, we fall forward. अगर ड्राइवर सडनली ब्रेक को मार देता है तो हम लोग आगे आगे गिरते हैं। ये होता है क्योंकि हम लोग का जो फीट फूट होता है जो बस के कॉन्टेक्ट में होता है वो रह जाता है, मतलब वो रेस्ट में जाता है, लेकिन हम लोग का जो बॉडी है वो मोशन में रहने की कोशिश करता है। इसीलिए हम लोग का जो अपर बॉडी है वो ऊपर वो आगे गिर जाता है, इसलिए हम लोग का बैलेंस खो कर हम भी आगे गिर जाते हैं। समझ गए होंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। व्हेन द मोटर कार मेक्स अ वेरी शार्प टर्न वी फॉल टू वन साइड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ आवर बॉडी। मतलब जब हम लोग कोई भी गाड़ी में होते हैं तब वो बहुत अगर शार्प टर्न करता है हम लोग एक साइड में गिर जाते हैं, वो होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी देर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इनर्शिया लाइक कैरम कॉइन्स केप्ट ऑन द टेबल पुशिंग अ कार्ड विद अ कॉइन ऑन इट ऑन इट केप्ट ओवर ग्लास एक्सेट्रा। इन्हें सब को समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी मैंने बस मोटर कार और बस का एग्जाम्पल्स दिया, लेकिन आप NCERT या कई और रूप से बहुत सारे एग्जाम्पल्स समझ सकते हैं। हम लोग देखते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन मास ऑफ अ बॉडी इज कॉन्स्टेंट more force is required to bring in a greater acceleration. Hence, force is directly proportional to acceleration. मतलब दो बॉडी को हम लोग ले जाते हैं और दोनों का मास को कंसर्न और दोनों का मास को कंसर्न करते हैं तो फिर हम लोग को उसके ऊपर ग्रेटर एक्सेलरेशन करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए होंगे, मतलब अगर एक बॉडी को हम लोग ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं तब वो बॉडी ज़्यादा ग्रेटर डिस्टेंस का जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और दूसरे बॉडी का हम लोग कम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तब उस बॉडी का एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। इसलिए कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अभी ये देखते हैं, व्हेन एक्सेलरेशन इज टू बी प्रोड्यूस्ड इज कॉन्स्टेंट मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ऑन अ ग्रेटर मास एंड लेसर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ऑन अ लेस मास। हेंस force is directly proportional to mass. मतलब अगर acceleration एक बॉडी का constant हुआ तब उस body के ऊपर acceleration produce कर अगर body का mass ज़्यादा हुआ तो उस body को उस acceleration को पाने के लिए ज़्यादा हम लोग को most force लगाना होगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर acceleration जो produce करना है वो हम लोग constant ले लेते हैं, अगर body का mass ज़्यादा हुआ हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल एक फुटबॉल हम लोग 1 kg फुटबॉल ले लेते हैं और एक जो हम लोग का 20 ग्राम का एक टेनिस बॉल ले लेते हैं। टेनिस बॉल नहीं कोई और टैप बॉल या कोई हो जाएगा। अगर हम लोग को 10 मीटर पर सेकेंड का फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, हम लोग को उस 1 kg फुटबॉल पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल जाए, और उस टेप बॉल को हम लोग को बस थोड़ा ही फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल पाए। इसलिए कहा जाता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आप लोग समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। हैंस ऑन द अबव स्टेटमेंट्स नेट फोर्स इज इक्वल टू KMA। बताया होगा अगर उसका हम लोग इक्वेशन लगाना पड़ता है तो प्रोपोर्शनल ऑब्जेक्ट्स को तो हम लोग को एक कांस्टेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वेट के इज इक्वल टू कांस्टेंट, एम इज इक्वल टू मास एंड ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। वैल्यू ऑफ के वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटल टू बी 1। मतलब एक्सपेरिमेंटली इसको 1 का वैल्यू असाइन किया था। इसी तो हम लोग कह सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। The unit of forces are SI unit of force is Newton and the CGS unit is time. अभी examples में तो next lecture में देखूंगा जो second law के ऊपर जो numericals होता है
तब तक आप लोग एनसीईआरटी का सारा कर लीजिएगा और एचसी वर्मा क्वेश्चन उन लोग का भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उनका क्वेश्चन हार्ड होता है लेकिन आप लोग अगर उन लोग को कर लिया आप उन लोग को तब आप लोग का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स वो सब देखेंगे और थर्ड लॉ भी देखेंगे हम लोग। थैंक यू।